दोस्तों, भारत और लीसेस्टर काउंटी टीम के बीच पहला वार्मअप मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ी विरोधी टीम से अभ्यास करने के लिए खेल रहे थे और भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी करने रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर आए और दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत की। लेकिन 10वें ओवर में शुभमन गिल 28 गेंदों पर 4 चौके की मदद से 21 रन बनाकर विकेटकीपर पंत के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद 14वें ओवर में भारतीय टीम ने 50 रन पूरे किए। तो वहीं 16वें ओवर में रोहित शर्मा 47 गेंदों पर 25 रन 3 चौके की मदद से बनाकर आउट हो गए और 17वें ओवर में हनुमा विहारी भी 23 गेंदों पर 3 रन बनाकर पवेलियन को रवाना हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर पहली ही गेंद पर 21वें ओवर में गोल्डन डक के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हुए। और इसके अलावा जब बल्लेबाजी करने रविंद्र जडेजा आए तो वो भी ज्यादा देर तक टिक कर नहीं खेल पाए और 24वें ओवर में 13 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 13 रन बनाकर रविंद्र जडेजा भी पवेलियन को रवाना हो गए और इसी के साथ भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवा दिए और अब भारतीय टीम की मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। लेकिन अब बल्लेबाजी की कमान विराट कोहली और श्रीकर भरत ने संभाली और भारतीय टीम ने पहले सत्र में 90 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम कितने रन पर ऑल आउट हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।